अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीनियर का। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को जो पुराना वाली जो वीडियो है वो भी क्लियर हो जाएगी और जो मुश्किल होंगी वो भी इस वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि आपको पहचानना है कि ये लीनियर है या नहीं क्वेश्चन से। तो जिसका जो डेरिवेटिव होगा, अगर उस डेरिवेटिव का यहाँ पर आपके पास क्या लिख रहा है y, तो क्या y के ऊपर यहाँ पर पावर 1 है, आपने यहाँ चेक किया कि जी हाँ ये लीनियर है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो ये सवाल है वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है, पी एक्स को पहचानना है और क्यू एक्स को पहचानना है। तो क्यू एक्स काफ़ी आसान होता है, तो जो भी यहाँ पर लिखा होगा इक्वल टू के बाद आपको इसको यहाँ लेके जाना है, ठीक है, इतना सा काम आपने कर लिया। अब इसको आपको पहचानना है पी एक्स, जो भी आपको बताया था, जो भी यहाँ पे पावर होगी लीनियर की उसको स्किप करें, जो रह जाएगा आपके पास वो आपके पास पी एक्स होगा। तो पी एक्स आपके पास क्या है, 3/x। तो आपने बस इतना सा काम कर लिया। अब आपको निकालना है आई एफ, तो आप कह सकते हैं नाउ फाइंड आई एफ। तो आई एफ हमारा है इंटीग्रेटेड फैक्टर, ठीक है, जो कि ड्राइव हुआ है, हम उसका रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। यू लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 3/x और डी एक्स। तो आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, आप चाहें तो ई एक्स भी करके लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मीन की लास्ट वीडियो में बताया था। तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया और x की पावर -1, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर यूँ करेंगे तो आपके पास पूरी की पूरी पावर होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, तो एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं। 3 आप बाहर ले आए, 1/x डी एक्स। तो जो भी वैल्यू है, जो भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है डी एक्स, तो हम इसको यहाँ पर सिंपल क्या लिख लेंगे, ई की पावर 3 ln x, इस तरीके से लिखा। और जो भी एल एन के ऊपर पावर है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी एक्स की। तो क्या बन जाएगा, एक्स एल एन एक्स क्यूब, ठीक है, ई की पावर एल एन एक्स क्यूब। तो ये आपके पास आई एफ आ गया। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, एल एन और ई आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो भी फंक्शन होगा एज इट इज़ नीचे आ जाता है। तो जो भी फंक्शन होगा एज इट इज़ नीचे उतर के आ जाएगा, तो आपका आई एफ इस तरीके से निकल गया। आप लास्ट वीडियो में भी देखेंगे तो हमने क्या किया था, कहाँ है ये रहा, जो भी फंक्शन होता है x वो नीचे उतर के आ गया था, जिसको हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो जो पूरा फंक्शन नीचे उतर के आ जाता है और हम इसको आई एफ बना देंगे। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय आई एफ ऑन बोथ साइड कर देंगे। बोथ साइड का मतलब कि आपके पास इस तरीके का फैक्टर बनेगा, y को ब्रैकेट के साथ लिखना है ताकि ये अलग रहे, सेपरेट रहे, ठीक है। इस इक्वल टू, अब आपके पास 2x है x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3, और इसको भी इंटीग्रेट आपको करना है। तो आप इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स क्यूब वाई आ गया, एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 था, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 6/6 प्लस सी और एक्स क्यूब वाई, इसको इस तरफ लेके आ जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इतना छोटा सा आज का जो क्वेश्चन था जो कि आपने सॉल्व किया, और जो देख सकते हैं कि जो सवाल है काफ़ी छोटे छोटे से सवाल हैं जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं आराम से, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। जो भी हमने अभी तक मेथड पढ़े हैं आप उसके अंदर कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो। एक वीडियो हम ऐसे कर लेंगे जो कि हम रैंडम क्वेश्चन देख लेंगे जिसके अंदर आप लोगों को भी समझ में आ सके। तो काफ़ी छोटा सवाल किया, हम कोशिश करते हैं एक सवाल और कर लें ताकि प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाए। तो एक सवाल और लिख लेते हैं, तो सवाल थोड़ा सा ये चेंज होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा चेंज है और इसको अच्छे से समझना है, जो कि आप लोगों की काफ़ी परेशानियाँ सॉल्व कर देगा ये सवाल, और बर्नौली के अंदर भी इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे हम उसको भी देखेंगे। चलिए, अब आप इस सवाल को देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा ये लीनियर है क्या है, ये भी हम नहीं बता सकते, ठीक है ना, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते यहाँ पर, क्योंकि कोई फैक्टर नहीं आ रहा बीच के अंदर, प्लस माइनस नहीं आ रहा नॉमिनेटर में। अब हम क्या करें, अगर हम इनको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि दोनों तरफ इन्वर्स ले लें, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इन शॉर्ट इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और वह नीचे आ जाएगा डी एक्स बाय डी एक्स, डी एक्स बाय डी वाई आ जाएगा आपके पास, और इसको ऊपर टर्म ले जाए माइनस एक्स ई की पावर वाई माइनस एक्स, ये माइनस एक्स यहाँ पर था, ठीक है, आपने यहाँ ये काम कर लिया। इसको और साफ सुथरा लिख लेते हैं, ई की पावर वाई माइनस एक्स। तो
अब आपको पहचानना यह है कि यहाँ पर पावर क्या है आपकी, एक्स है, तो यहाँ पर प्लस के साथ एक्स होना चाहिए। याद रहे कि इसकी जो फॉर्म है बीच में हमेशा प्लस आता है, माइनस ना आए। अगर माइनस आएगा तो आपको उसी तरीके से करना है, आपको माइनस को क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस से वहाँ जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई। अब आपको एक्स ये रहा, एक्स पर पावर क्या होनी चाहिए, वन, तो आपने देखा वन है, तो ये अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वही काम, पी एक्स और क्यू एक्स निकालना है। तो क्यू एक्स तो बहुत ईजी है, जो भी इज इक्वल टू के बाद होगा वो आपके पास क्यू एक्स है। अब पी एक्स के लिए आपको क्या करना है, अब एक्स के साथ क्या कॉफिशेंट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है, तो पी एक्स आपका सिंपल वन आ गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर लेना है, जो कि आप लोगों का अब अच्छे से आ गया है। अब पी एक्स की वैल्यू वन, और अब वाई के रिस्पेक्ट से हम करेंगे, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट से क्यों करेंगे, क्योंकि जो हम जो यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, और पिछली वीडियो उसके अंदर हमने एक्स इसलिए लिया था क्योंकि हम जब भी डेरिवेटिव लेते थे, इंटीग्रेशन लेते थे, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे थे, तो इसलिए अब हमने इंटीग्रेशन भी उसकी रिस्पेक्ट से करते थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, और ई की पावर एक्स बन जाएगा, जो कि सॉरी ई की पावर वाई बन जाएगा आपके पास, जो कि बहुत ध्यान से करना है क्योंकि पेपर में इस टाइप के सवाल आते हैं, और स्टूडेंट क्या कर देते हैं, वहाँ पर एक्स लिख के आ जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, और आपका सवाल यहाँ से ही कैंसिल आउट हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि आप जो भी काम करें अपने जो भी डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन को देख लेंगे किसके रिस्पेक्ट से काम करना है। ये काम कर लिया, अब आपको सिंपल वही काम करना, इंटीग्रेशन फैक्टर है, आपने इंटीग्रेशन लगाई, और यहाँ पर आपके पास क्या है, अब आपको इस वाले को देखना है, नॉट क्वेश्चन को देखना है, इक्वेशन ए को आपने इसको देखना है। यहाँ पर एक्स था, ठीक है, यहाँ पर जो नोमिनेटर जो होता है आपके पास, और मल्टीप्लाई में ई की पावर वाई इज इक्वल टू किसके बराबर लेना, क्यू एक्स, क्यू एक्स आपका क्या है, ई वाई, और इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाई ई की पावर वाई। याद रखें जब भी आप यहाँ पर एक्स और वाई किस तरह लेते हैं, जो भी नोमिनेटर में आपके पास मौजूद होता है फैक्टर, आपने उसको लेना होता है। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, जो भी आपके पास वाई यहाँ से लिया था, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के ऊपर मेरे पास वाई था, इस तरीके से, ठीक है। ये काम किया आपने, और यहाँ पर डेरिवेटिव भी लिखना था, तो डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक्स ई की पावर वाई इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ई की पावर टू वाई इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इसको एक्स ई की पावर वाई ये मल्टीप्लाई में ये इसको यूँ लिख लेते हैं, एक्स ई की पावर वाई इज इक्वल टू, अब जब भी इसका इंटीग्रेशन लेते हैं एक्सपोनेंशियल का क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं टू वाई, और जो भी इसका डेरिवेटिव आएगा इस फंक्शन का, डेरिवेटिव क्या आएगा, टू आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई करना था, तो टू आएगा, तो जो भी डेरिवेटिव आएगा आपने उसको डिवाइड में लिखना है, एंड जस्ट प्लस सी। तो बस आपका ये आंसर था, और इसके अंदर मुश्किल कुछ भी नहीं थी। अगर अब भी कोई मसला हो तो आप वीडियो के लास्ट में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि इसको सॉल्व करें, और जब बर्नौली स्टार्ट करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, ताकि हम उसको और इजीली और इन डेप्थ देख सकेंगे, और आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अगर आप लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है तो बर्नौली ऑटोमेटिकली आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।